हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। आप सब लोग जानते ही हैं, सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और सर्दियां स्टार्ट होने के बाद से हर पेरेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती है कि बच्चे को कैसे सर्दियों से बचाएं, कि उसको सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए। बहुत टेंशन रहती है, वो कपड़े कैसे पहनाएं, उनको नहलाएं कैसे, उनकी मालिश कैसे करें, उनको नहलाएं या ना नहलाएं, तो बहुत सवाल होते हैं हर पेरेंट्स के मन में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही गाइड करने वाली हूँ कि आपको सर्दी में अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तो लास्ट में आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जो बहुत विलेज साइड ये चीज़ यूज़ होती है, एंड बिलीव मी ये वर्क भी करती है। मैं खुद हैरान रह गई जब मैंने यूके की सर्दी में अपने बच्चे के लिए चीज़ यूज़ करी, तो मैं खुद हैरान रह गई कि उसको यूके की सर्दी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि पूछिए मत, पर उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई वहाँ की सर्दियाँ। तो ये नुस्खा आप प्लीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे की मालिश को लेकर। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सर्दियां पड़ रही हैं, अगर बच्चे को मालिश करेंगे तो उनको ठंड ना लग जाए कहीं और उनको सर्दी ना बैठ जाए, पर ये गलत है। बच्चे की मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों के टाइम में, क्योंकि इससे बच्चों की बॉडी में और गर्माहट आती है। तो मालिश आप ज़रूर कीजिएगा। कौन सा ऑयल आपके बच्चे के लिए सर्दियों में ठीक रहेगा, उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा है कि कभी भी सर्दियों के टाइम पे बच्चे के पूरे कपड़े उतार कर उसकी मालिश नहीं करनी है, एक एक बॉडी पार्ट के कपड़े उतार के वहाँ की मालिश करके उसको वो कपड़े पहना के फिर दूसरे बॉडी पार्ट पर आपको आना है। और मालिश करने से पहले आप अपने कमरे के टेम्परेचर को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, अगर आपके पास हीटर है तो, अगर हीटर नहीं है तो जब आपके कमरे में धूप आती हो या फिर कमरे का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो जाता हो, तब आप मालिश कीजिए बच्चों की। एक सवाल और होता है लोगों के मन में कि हम बच्चे को नहलाएं या ना नहलाएं सर्दियों के सीजन में। तो अगर आपका बच्चा, अगर टॉडलर है, बाहर खेलता वेलता है, ज़्यादा धूल मिट्टी में गंदा होता है, तो आप उसको एक दिन छोड़ के नहला सकते हैं। पर जो नवजात शिशु हैं, जो बिल्कुल बेड पे लेटे रहते हैं, तो वो तो इतने गंदे होते नहीं हैं, तो आप उनको तीन छोड़ के भी नहला सकते हैं, आपको उनको इतना नहलाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पर आप नहलाने की जगह उनको स्पंज बाथ दे सकते हैं। स्पंज बाथ ना सही तो आप किसी गीले कपड़े से उनको पोंछ सकते हैं, अगर वो भी ना सही तो आप जो बेबी वाइप्स होता है उसको थोड़ा सा गर्म पानी में गुनगुना करके या फिर हीटर के सामने थोड़ा सा गुनगुना करके आप बच्चे के बॉडी पे उसको साफ कर सकते हैं। और याद रखिएगा, नहलाना भी आपको तभी है वहाँ पे कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो। अगर आप बाथरूम में नहलाने जा रहे हैं उसको, तो फिर आप उसको नहलाने से पहले गर्म पानी की बाल्टी आप आधा घंटा पहले बहुत खोलता हुआ पानी रख दीजिए, उससे कमरे में एक ह्यूमिडिटी हो जाएगी, थोड़ा सा गर्माहट हो जाएगी। या फिर आप गीजर चला के गर्म गर्म पानी का नल चालू कर दीजिए, उससे भी कमरे में बहुत गर्माहट हो जाती है। उसके बाद आप बच्चे को ले जा सकते हैं नहलाने के लिए। फिर बात होती है नहलाने के बाद उनकी स्किन केयर पे। तो सर्दियों के टाइम पे बच्चों के एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और स्किन भी बहुत ड्राई रहती है, बच्चों को इससे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ईचिंग होती है, तो इसलिए उनको अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहलाने के बाद उनको प्रॉपर बॉडी लोशन लगाइए आप, वो बहुत ही मस्ट है। पाउडर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए विंटर के टाइम पे। लोग बोलते हैं कि बच्चे को जो आप कपड़े पहनते हैं उसकी दो लेयर ज़्यादा पहनाइए, पर मैं आपसे ये कहूँगी कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे को गर्मी सर्दी अलग लेवल की लगती है। कई बच्चों को ज़्यादा सर्दी लगती है, कई बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरा जो बेटा है उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम हमेशा उसको जो हम पहनते हैं कपड़े उसकी एक लेयर ज़्यादा पहनाते हैं। मीन्स अगर हम स्वेटर पहनते हैं तो उसको एक नीचे थर्मल पहना देते हैं। तो आप अपने बच्चे को चेकआउट करते रहिए कि उसको कि ज़्यादा ओवर बर्डन करने से भी बच्चों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, फिर उनके अंदर डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, उनको रैशेज भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा गर्मी भी बच्चे के अंदर नहीं करनी है, तो कपड़े हमें वैसे ही पहनाना चाहिए जितनी बच्चे की ठंड रुके। इसलिए आप प्रॉपरली चेक करते रहिए उनको पसीना तो नहीं आ रहा है। और मेरी मानिए तो आप जो आप कपड़े पहनते हैं उसकी पहले तो एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाइए और फिर उनकी रेगुलरली पीठ और पेट चेक करते रहिए। अगर आपको उनकी पीठ या फिर पेट थोड़ा ठंडा लग रहा है, गर्म नहीं लग रहा है, तो आप उनको एक लेयर एक्स्ट्रा पहना सकते हैं, नहीं तो वो उतनी लेयर के कपड़े उनके लिए ठीक है। ठंड सबसे ज़्यादा बच्चों को लगती है उनकी छाती से, उनके कानों से, उनके सिर से और उनके हाथ पैरों से। तो ये चीज़ कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं उनके उनके लिए आप मिटन्स या फिर सॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी सॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा घुटने घुटने चलता है तो उसके लिए आप जो इनके नी प्रोटेक्टर होते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि घुटने से भी बच्चों के अंदर ठंड जाती है।
और उनको पजामा थोड़ा सा मोटा पहनाइए अगर बच्चा आपका घुटना घुटना चलता है तो। एंड कुछ बूटीज आती हैं बच्चों की जो शूज और प्लस सॉक्स दोनों का काम करती है, तो आप वो भी बच्चे के लिए ले सकते हैं। और जो थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको तो फिर प्रॉपरली आपको शूज़ और सॉक्स तो पहनाने ही पहनाने हैं। कान के लिए अच्छा टोपा लीजिए, टोपा अगर अंदर से फर वाला हो तो बच्चों को बहुत कंफर्टेबल फील होता है, तो अगर आप अंदर से फर वाला कपड़ा टोपा आपको उनको उनके लिए मिल रहा है तो वो परचेस कीजिए, तो वो बेटर रहेगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वो कपड़े पहनने में। और रूम को गर्म रखने के लिए आप हीटर यूज़ कर सकते हैं। कई लोग हीटर की मना करते हैं पर हीटर आते हैं 3 टाइप्स के, कौन सा हीटर आपके बच्चे के लिए सही रहेगा वो मैं आपकी वीडियो में आपके लिए अलग से बनाऊंगी, पर आप हीटर भी बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेफर रहेगा कि आप ऑयल फील्ड हीटर यूज़ कीजिए, एंड प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अलग वीडियो में दूंगी। एक चीज़ और बच्चों के रूम में होना ज़रूरी है, वो होता है ह्यूमिडिफायर। एक्चुअली ठंड की वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, हवा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, और उस ड्राइनेस की वजह से स्टफ़ी नोज हो जाती है बच्चों की, उनको थ्रोट में भी थोड़ा दर्द टाइप का होता है क्योंकि सूखी एयर जब हम इनहेल करते हैं तो थ्रोट में भी वो लगती है और बच्चों को थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो जाता है उसकी वजह से। तो एक ह्यूमिडिफायर आप ले लीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक बर्तन में गर्म पानी करके भी आप उसको उसी कमरे में रख सकते हैं, तो जो भाप से पानी उड़ेगा उससे भी कमरे में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। लोग ये भी पूछते हैं कि हमें ठंड में बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बच्चों का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी से बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, और उनको खेलने से मना मत कीजिए क्योंकि जितना वो फिजिकली फिट रहेंगे उतना उनकी बॉडी के लिए उनकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहेगा। आप प्रॉपर कपड़े पहनाकर और जब थोड़ा गर्म टेम्परेचर हो तभी उनको बाहर भेजिए खेलने के लिए, अदरवाइज़ जो ठंड होती है सुबह की और शाम की उसमें आप बच्चों को अंदर रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आते हैं खाने पीने के बारे में, तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो ब्रेस्ट फीड से तो अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आप फॉर्मूला पिला रहे हैं तो आप प्लीज़ फॉर्मूले की क्वान्टिटी कम कर दीजिए और ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करवाइए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो सर्दी से तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंशन और क्योर दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे बच्चे को ठंड सर्दी जुकाम भी नहीं होता, सर्दी जुकाम हो भी जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उनका सर्दी जुकाम ठीक भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट है, अगर आप फॉर्मूला पिला रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए और ब्रेस्ट फीडिंग पे पूरी तरह से स्विच कर दीजिए। और 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है आपका जो खाना पीना शुरू कर देता है तो पानी पीने के लिए उनको थोड़ा गुनगुना पानी दीजिए, गर्म पानी नहीं देना है, गुनगुना पानी देना है, और कोशिश कीजिए कि वो गुनगुना पानी ही पिए। अगर गुनगुना पानी वो नहीं पीते हैं तो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दीजिए, मीन्स जो रूम टेम्परेचर पे ना पानी वैसे ही बहुत ठंडा हो जाता है, तो आप थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए। गुनगुना नहीं देना चाहते हैं तो वो नॉर्मल पानी आप बच्चों को दीजिए। और सर्दियों के टाइम पे बच्चे पानी पीना भी बहुत कम कर देते हैं और हम भी उनको पानी बहुत ही कम देना शुरू कर दें कि हमें भी ज़्यादा प्यास लगती नहीं है, पर ये गलती मत कीजिएगा। टाइम टू टाइम आप अलार्म लगा दीजिए कि आपको बच्चे को टाइम टू टाइम पानी देना है। खाने पीने की बात करें तो पहले होती है फ्रूट्स, हम फ्रूट्स नहीं देते हैं सर्दियों में, सोचते हैं कि बच्चों में। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि बनाना हमारे बच्चों के लिए हर सीज़न के लिए बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को बनाना हर सीज़न में खिला सकते हैं, कोई सा भी सीज़न हो खिला सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, बनाना बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज भी आप खिला सकते हैं और एप्पल वगैरह आप सब खिला सकते हैं, सारे फ्रूट्स में खिला सकते हैं, बट बच्चे को अगर सर्दी हो जाए तो आपको वो फ्रूट्स बच्चे को नहीं खिलाना है सर्दी, क्योंकि सर्दी होने के बाद जुकाम होने के बाद अगर आप फ्रूट्स बच्चों को खिलाते हैं तो उनका म्यूकस ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो म्यूकस को और ज़्यादा बनाते हैं ये फ्रूट्स। पर सर्दी अगर बच्चे को नहीं है, जुकाम नहीं है, तो ये फ्रूट्स उनकी उनके लिए बेनिफिट ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। और ऑरेंज वगैरह बनाना में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑरेंज में तो विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और लेमन वाटर भी आप बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ा गुनगुने पानी में लेमन स्क्वीज करके शहद मिलाकर दीजिए बच्चों को, तो उनकी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत बहुत अच्छा है, इवन ये आप लोगों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। सुबह आप गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए, आपको कभी भी कोई बीमारी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। ये तो रही फ्रूट्स की बात, फिर है थोड़ा सा और स्पाइसेस की बात, तो जो जिंजर होता है, लहसुन होता है और जीरा होता है, अजवाइन होता है, तो ये सब जो स्पाइसेस हैं ये बहुत, और हाँ टर्मरिक होता है, ये सब स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और सर्दी को दूर भगाने के लिए।
तो आप ये स्पाइसेस उनके खाने में जरूर ऐड कीजिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, आपको बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो ये सारे स्पाइसेस, ये सारे जो डाइट है, ये माँ को ऐड करनी चाहिए अपने खाने में। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, नवजात शिशु है, तो उसकी माँ को उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहना चाहिए, उसको बिल्कुल चिपका के खुद से रखना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की गर्मी उसको मिलती रहे, जिसकी वजह से उनको सर्दी ज़्यादा नहीं लगती है। और माँ को भी ठंड में थोड़ा कम काम करना चाहिए, जिससे उसकी ठंडक, जो उसको ठंड लग रही है, वो बच्चे को पास ऑन ना हो। तो अब आते हैं वो नुस्खा, जो मीन्स दादी नानी का नुस्खा होता है, जो विलेज में भी बहुत यूज़ होता है एंड ये वर्क भी करता है, और मैंने भी ये चीज़ यूज़ की है। तो वो नुस्खा है रम। चिंता मत कीजिए, आपको बच्चे को पिलाना नहीं है रम। गांव में तो पिला भी देते हैं कि ढक्कन बच्चों को, पर इसमें, इस नुस्खे में आपको पिलाना नहीं है, बल्कि जो रम होती है ये प्रिवेंशन है। जो रम होती है उसको बच्चे के सोने से पहले उनके तलवों में, उनके हाथ पे, और उनके ये जो माथा है इसके इधर यहाँ पे, और थोड़ी छाती में लगा के हल्की सी थोड़ी सी तवे पे कपड़ा गर्म करके हल्का हल्का सा उसकी सिकाई करनी है, और बच्चे को बिल्कुल कवर करके ब्लैंकेट से सुला देना है। बिलीव कीजिए, अगर आप ऐसा हर रोज़ करेंगे या हर एक दो दिन बाद करेंगे, तो बच्चे को कभी भी सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि यूके की पूरी सर्दियों में मैंने बस यही चीज़ कीजिए की है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि रम बहुत गर्म होती है और उससे बच्चे को गर्माहट आ जाती है उसके तलवे में, या फिर उसके यहाँ के जो पार्ट्स हो, कि जो सिर का यहाँ का पोर्शन होता है यहाँ पे और छाती पे लगाने से उनके बच्चों को गर्मी अंदर आ जाती है शरीर के अंदर, तो जो सर्दी उनको लग भी गई होती है तो वो ठीक हो जाती है। तो नुस्खा आजमाने के बाद बच्चों को कभी यहाँ वहाँ घूमना नहीं है, तुरंत जाकर चुपचाप बेड पे जाकर ब्लैंकेट के अंदर सोना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक नया वीडियो लेके आने वाली हूँ कि सर्दी होने के बाद बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, और उसमें एक से एक बढ़कर आपको नुस्खे जानने को मिलेंगे। तो अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। एंड अब मैं मिलूंगी आपसे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।